मल्लिकार्जुन जी, श्री तारिक अनवर जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री तथागत जी, सतपति जी, कल्याण बनर्जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई वरिष्ठ महानुभावों ने चर्चा को प्राणवान बनाया, कई पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है और मैं इसके लिए चर्चा में शरीक होने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। कल भूकंप आया, इस भूकंप के कारण जिन जिन क्षेत्रों में असुविधा हुई है, मैं उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करता हूं और केंद्र सरकार राज्य के पूरे संपर्क में है। स्थिति में कोई आवश्यकता हो तो कुछ टीमें वहां पहुंच भी गई है, लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती मां इतनी रूठ गई होगी। प्लीज कल्याण जी, यस, ये क्या, ये ठीक नहीं है। प्लीज कल्याण जी, आपका सीआर ठीक हो रहा है, आपका कल्याण होगा। प्लीज प्लीज, नो नॉट लाइक दिस, नथिंग विल गो। प्लीज प्लीज कल्याण जी, दिस इज नॉट द वे। कल का भूकंप, प्लीज ये ठीक नहीं, बैठे बैठे दिस इज नॉट द वे। क्या है ये, प्लीज थोड़ी शांति। कल्याण जी, कल्याण बनर्जी, प्लीज दिस इज नॉट नाउ, आई एम वार्निंग यू, ऐसा मत करो प्लीज। कल आपने भी अच्छा भाषण दिया, सबने सुना, नाउ आज बिल्कुल शांति से। हाँ तो आप बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए, नाउ प्लीज टेक योर सीट। यस, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आखिर भूकंप आया क्यों। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है। और इसलिए
राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जनशक्ति का ब्यौरा दिया है। हम ये जानते हैं कोई भी व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो, जनशक्ति का मिजाज कुछ और ही होता है। कल हमारे मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया। बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग हैं। लेकिन अध्यक्षा जी, उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली भांति जानता है। पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है। और 75 का कालखंड, माननीय अध्यक्षा जी, 75 का कालखंड जस देश देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, देश के गणमान्य वरिष्ठ नेता जयप्रकाश बाबू समेत लाखों लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था, अखबारों पर ताले लगा दिए गए थे और उन्हें अंदाज नहीं था कि जनशक्ति क्या होती है। लोकतंत्र को कुचलने के ढेर सारे प्रयासों के बावजूद भी इस देश की जनशक्ति का सामर्थ्य था कि लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित हुआ। और उस जनशक्ति की ताकत है कि गरीब मां का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसलिए राष्ट्रपति जी ने जनशक्ति का उल्लेख करते हुए जो कहा है, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी का वर्ष है। इतिहास सिर्फ किताबों की अटारी में पड़ा रहे तो समाज जीवन को प्रेरणा नहीं देता है। हर युग में इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं, हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन देश के कोटि कोटि लोग थे जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा था। और सबने मिलकर के लड़ा था। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी। और तब भी कमल था, आज भी कमल है।
यहां बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह आजादी के बाद पैदा हुए हैं, और इसलिए हम में से बहुत लोग हैं जिनको आजादी के लड़ाई में सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का तो सौभाग्य मिला है और हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय दग्गा जी, और इसलिए अपार जनशक्ति देश ने दर्शन किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी अपनी गरिमा थी, युद्ध के दिन थे, हर हिंदुस्तानी के दिल में भारत विजय की भाव से भरा हुआ माहौल था, और उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, देश ने अन्न त्याग के लिए पहल की थी। सरकार बनने के बाद आज के राजनीतिक वातावरण को हम जानते हैं, ज्यादातर राज्य व्यवस्थाओं ने, राजनेताओं ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने जन सामर्थ्य को करीब करीब पहचानना छोड़ दिया है, और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय भी रहता है। मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति ने बातों बातों में कह दिया था कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो गैस की सब्सिडी छोड़ते हैं। जब हम जनता से कट जाते हैं, जनमन से कट जाते हैं, 2014 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो एक दल इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा था कि 9 सिलेंडर देंगे कि 12 सिलेंडर देंगे। हमने आकर के 9 और 12 की चर्चा को कहां ले गए? हमने कहा जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं क्या? सिर्फ कहा था। इस देश के 1,20,00,000 से ज्यादा लोग गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए आ गया है। इस सरकार और वहां बैठे हुए लोगों के गर्व का विषय सीमित नहीं है, ये 125,00,000 देशवासियों की शक्ति का परिचय है। और मैं सदन को प्रार्थना करता हूं, राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं, और देश के राजनीतिक जीवन में निर्णायक की अवस्था में बैठे हुए निर्णय प्रक्रिया के भागीदार सबको आह्वान करता हूं कि हम हमारे देश की जनशक्ति को पहचाने, उस सामर्थ्य को पहचाने, हम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जन आंदोलन की अवधारणा लेते हुए एक सकारात्मक माहौल बना करके देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप देखिए, पहले नहीं मिले उससे ज्यादा परिणाम मिलेंगे, और उसके कारण अनेक गुना ताकत बढ़ जाएगी, देश की बढ़ने वाली है। इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो आने वाला कल बुरा देखना चाहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान का बुरा चाहता है। हर कोई चाहता है गरीब का भला हो, हर कोई चाहता है गांव गरीब किसान को कुछ मिले। पहले भी किसी ने प्रयास नहीं किया ऐसा कहने वालों में से मैं नहीं हूं, मैं इस सदन में बार बार कह चुका हूं, मैं लाल किले पर से बोल चुका हूं कि अब तक जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, हर किसी का अपना अपना योगदान है। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफेकर बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे तब देश आजाद हुआ है। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बलि चढ़ाया था।
उनको तो लगता है कि आजादी आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। हम देश को उसकी पूर्णता में स्वीकार करें और इसलिए जनशक्ति को जोड़ करके हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजः तत्र दुर्लभः। कोई अक्षर ऐसा नहीं होता है जिसको मंत्र में जगह पाने का पोटेंशियल ना हो, कोई ऐसा मूल नहीं होता है जिसकी औषध में जगह पाने का पोटेंशियल ना हो, कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि जो कुछ कर करके समाज और देश को दे सके। जरूरत होती है योजक है तत्र दुर्लभ, योजक की जरूरत होती है और इस सरकार ने हर शक्ति को संवार करके जोड़ने का एक प्रयास किया है और जनशक्ति के भरोसे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। स्वच्छता का अभियान, मैं हैरान हूं क्या इस बात के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए कि आजादी के इतने साल हो गए, महात्मा गांधी का नाम हम लेते हैं, गांधी के दो प्रिय चीज थे। गांधी कहते थे कि आजादी से पहले भी मुझे अगर कोई पाना है तो मुझे स्वच्छता पानी है। हम स्वच्छता की गांधी जी की बात को लेकर आपके सामने आए, देश के सामने आए। इतनी सरकारें आई, इतने संसद चले सत्रह, क्या कभी संसद में स्वच्छता विषय पर चर्चा तक हुई है? और इसलिए पहली बार यह सरकार आने के बाद, और इसलिए क्या स्वच्छता को भी हम राजनीति के एजेंडा का हिस्सा बनाएंगे? आप में से कौन है जो गंदगी में जीना चाहता है? आपके इलाके में कौन है जो गंदगी चाहता है? आप भी नहीं चाहते हैं, यहां वाले भी नहीं चाहते हैं, यहां वाले भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या हम मिल करके एक स्वर में समाज को इस पवित्र कार्य से जोड़ने को, गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते? कौन रोकता है हमें? और इसलिए माननीय दिग्विजय जी, इस अपार जनशक्ति को आगे लेते हुए इस बार एक चर्चा। अब ये तो सही है कि जब राष्ट्रपति जी का उद्बोधन पर चर्चा होती है और बजट भी आया होता है तो बजट की बातें भी आ जाती हैं और राष्ट्रपति जी के उद्बोधन की भी बातें आ जाती हैं। बजट पर चर्चा होगी तब वित्त मंत्री जी विस्तार से उसको कहेंगे, लेकिन एक चर्चा आई है, बजट जल्दी क्यों किया गया? भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारा पूरा आर्थिक कारोबार कृषि पर आधारित है और ज्यादातर कृषि की स्थिति दिवाली तक पता चल जाती है। हमारे देश की एक कठिनाई है कि हम अंग्रेजों विरासत छोड़कर के आए उसको लेकर के चल रहे हैं। हम मई में करीब करीब बजट की प्रक्रिया को से पार निकलते हैं और 1 जून के बाद हिंदुस्तान में बारिश आना शुरू हो जाता है। 3 महीने तक बजट का उपयोग होना असंभव हो जाता है। एक प्रकार से हमारे पास कार्य करने का समय बहुत कम बच जाता है और जब समय होता है तब आखिरी दिनों की जो पूर्ति करने के लिए, हम जानते हैं, हर सरकार जानती है कि दिसंबर से मार्च तक किस प्रकार से बिल कटते हैं और किस प्रकार से रुपये खर्च किए दिखाए जाते हैं। अब ये हमने सोचना चाहिए। अब मैं किसी की आलोचना नहीं करना, अभी भी किसी को समझ आता है क्या कारण था कि आजादी के
कई वर्षों तक बजट शाम को 5 बजे आता था, किसी ने सोचा नहीं बस 5 बजे चल रहा है, चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? 5 बजे इसलिए बजट चलता था कि यूके की पार्लियामेंट के टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से शाम को 5 बजे बजट आया। अब हमने उसको ही चालू रखा। और हम बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है। आपके पास घड़ी है तो देख लीजिए। उसी प्रकार से हाँ, ये दिखाने के लिए, ताकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं चलता। अब अटल जी की सरकार आई तब समय बदला गया। हमारा भी प्रयास है। और जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने भी बजट के समय के संबंध में कमेटी बनाई थी, उसका विस्तृत रिपोर्ट है। और आप भी चाहते थे कि भाई ये समय बदलना चाहिए, और उन्होंने जो प्रपोजल दी है हमने उसी को पकड़ा है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अलग है। आप चाहते नहीं थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उस प्रायोरिटी में नंबर कब लगेगा? तो इसलिए जो बातें आपके समय हुई है उन बातों को ये बड़े गर्व से कहना चाहिए, आपको फायदा उठाइए ना। ये तो हमारे समय हुआ था, अब ये भी आप भूल जाते हैं, चलो मैंने याद दिला दिया, आप इसका भी लाभ दीजिए। रेलवे के संबंध में भी विस्तार से चर्चा जब बजट की होगी, लेकिन एक बात हम समझे कि 90 साल पहले जब रेल बजट आता था तब ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रमुख मोड सिर्फ रेलवे था। आज ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बनी है, और इकलौता रेलवे नहीं है, कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के मोड है। जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रांसपोर्ट इस विषय को जोड़ करके नहीं चलेंगे तो हम समस्याओं से जूझते रहेंगे। अब इसलिए मुख्य धारा में रेलवे व्यवस्था भी रहेगी, उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन को कोई तकलीफ नहीं है, उसकी स्वतंत्रता तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सोचने के लिए सरकार एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव हर प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखना शुरू करे आवश्यक है। और हमने जब से आए हमने रेलवे में बजट में बदलाव किया है। आप जानते हैं कि पहले बजट में हमारे गौड़ा जी ने बताया था कि करीब 1500 घोषणाएं हुई थी, और कौन मजबूत है कौन हाउस में ज्यादा परेशान करता है उसको ध्यान में रख करके, उसको खुश रख करके एक चीज बोली दी जाती थी, वो भी ताली बजा देता था, अपने इलाके में जाके बता देता था ये काम हो गया है। हमने देखा साहब 1500 ऐसी चीजें हुई थी जिनका कागज पर ही मोक्ष हो गया था। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? मैं जानता हूं इससे राजनीतिक दृष्टि से हमें नुकसान होता है, लेकिन किसी ने तो जिम्मा लेना पड़ेगा। देश में जो गलत चीजें डेवलप हो चुकी हैं उसको हम रोके, और ब्यूरोक्रेसी को सूट करता है जी, ऐसी चीजें उनको सूट करती हैं कि राजनेता तो ताली बजा दे वो उनकी गाड़ी चलाते रहे, मुझे नहीं चलानी है जी। देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं के लिए फैसले लेने हैं, अच्छे फैसले लेने का प्रयास है, अच्छी तरह करने का प्रयास है, और इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको काम को कर रहे हैं। एक विषय नोटबंदी का आया, पहले दिन से ये सरकार कह रही है हम नोटबंदी पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को लगता था कि टीवी पर कतार देखते हैं तो कल कभी न कभी कुछ हो जाएगा फिर देखेंगे।
आपको लग रहा था कि इस समय चर्चा करने से शायद मोदी फायदा उठा जाएगा, और इसलिए चर्चा के बजाय आपको टीवी बाइट देने में ही इंटरेस्ट था, इसलिए चर्चा नहीं हुई। अच्छा है, इस बार आपने थोड़ा बहुत स्पर्श किया है, और बर्बाद किया आपने सदन को। कितना बड़ा बदलाव आया है, और मुझे विश्वास है कि जो बारीकी से चीजों का अध्ययन करते हैं, अब तक उनका ध्यान नहीं गया है तो मैं चाहूंगा कि उनका ध्यान जाए। 2014 के पहले का वक्त देख लीजिए, 2014 मई के पहले का, वहां से आवाज उठती थी कि कोयले में कितना खाया, 2G में कितना गया, जल करप्शन में कितना गया, वायु करप्शन में कितना गया, आसमान के करप्शन में कितना गया, कितने लाख गए, कितने यही वहां से आवाज आती थी। ये मेरे लिए कितनी खुशी की खबर है कि जब वहां से आवाज आती थी, मोदी जी कितना लाए, कितना लाए, कितना लाए, तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही कितना लाए, इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है। इससे बड़ा जीवन का यही तो सही कदम है, यही तो सही कदम है। दूसरा, हमारे खड़गे जी ने कहा कि काला धन हीरे जवाहरात में है, सोने में है, चांदी में है, प्रॉपर्टी में है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सदन जानना चाहता है ये ज्ञान आपको कब हुआ। क्योंकि इस बात का कोई इंकार नहीं कर सकता है कि भ्रष्टाचार का प्रारंभ नगद से होता है, उसकी शुरुआत नगद से होती है, परिणाम में प्रॉपर्टी होती है, परिणाम में ज्वेलरी होती है, परिणाम में गोल्ड होता है, शुरुआत नगद से होती है। दूसरा, आपको मालूम है यही बुराइयों के केंद्र में है, बेरावी प्रॉपर्टी है, जवाहरात है, गोल्ड है, चांदी है। जरा आप लोग बताइए, 1988 में जब सम्मान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था, दोनों सदन में आपके पास था, पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था, आप ही आप थे, कोई नहीं था। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया, क्या कारण था उसको दबोचते रहे? अगर उस समय नोटिफाई किया होता तो जो ज्ञान आज आपको हुआ है, 26 साल पहले की स्थिति थोड़ी ठीक थी, देश बहुत जल्दी साफ सुथरा होने की दिशा में एक काम हो जाता। वो कौन लोग थे जिनको कानून बनने के बाद ज्ञान हुआ कि अब कानून दबाने में फायदा है? वो किस परिवार? आप इससे बच नहीं सकते। आप किसी का नाम देकर के बच नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा देश को। जो ज्ञान आज हुआ है, और ये सरकार है जिसने नोटबंदी से पहले पहला कदम उनके खिलाफ उठाया,
कानून बनाया है और मैं आज इस सदन के माध्यम से भी देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप कितने ही बड़े क्यों न हो, गरीब के हक का आपको लौटाना पड़ेगा। और मैं इस रास्ते से पीछे लौटने वाला नहीं हूं। मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस देश के गरीबी के मूल में, इस देश में गरीबी के मूल में देश के पास प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं थी, देश के पास मानव संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग पनपा जिन्होंने लोगों के हक लूटते रहे, उसी का नतीजा है कि देश जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाया। आप कहते हैं कुछ लोग जियो के बारे में बोलिए, उसकी जिनकी एजेंसी होगी वो बोलेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यू कैनॉट बी डिस्टर्बिंग द हाउस लाइक दिस, प्लीज टेक योर सीट। नो, यू कैनॉट बी डिस्टर्बिंग लाइक दिस, नथिंग इज, चिंता मत। हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को इस बात का कोई इंकार नहीं कर सकता है, एक समांतर अर्थव्यवस्था डेवलप हुई थी। और ऐसा नहीं है, ये काम भी आपके संज्ञान में भी पहले भी आया था। ये विषय आप ही की सरकार की, आप ही की कमेटियों ने भी आपको सुझाया था। जब इंदिरा जी राज करती थी तब यशवंतराव जी चव्हाण ये विषय लेकर के उनके पास गए थे और तब जाकर के उन्होंने कहा था कि क्यों भाई कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ने का, आपको निर्णय गलत नहीं था, चुनाव का डर था, हमें चुनाव की चिंता नहीं है, देश की चिंता है, इसलिए हमने रही। और ये बात निश्चित है, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कोई भी व्यवस्था में कैश कितना, चेक कितना, एक कारोबार डेवलप हो चुका है और एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बना है। जब तक आप उसको गहरी चोट नहीं लगाओगे तब तक स्थिति से बाहर नहीं आओगे। और इसलिए हमने जो फैसले किए हैं, आपने किस प्रकार से देश चलाया, ऐसा लगता है कि कुछ दलों के दिलों दिमाग में चारवाक का मंत्र उनके जिंदगी में बहुत काम आ गया है। उन्होंने चारवाक के ही मंत्र को लेकर के शायद, और तभी जाकर के कोई अंग्रेजी कवि को उल्लेख करते हुए ये भी कह देते बड़े बड़े व्यक्ति कि मरने के बाद क्या है, क्या देखा है, अभी तो चारवे का तत्व ज्ञान है। मैं उस सदन में जाऊंगा तब इसका उल्लेख बराबर डिटेल में करूंगा, लेकिन चारवाक कहते थे यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बस्पी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब तक जियो मौज करो, जियो जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार दे लिए घी कहा भाई, भगवत मान नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं।
परमाणु सभाएं, ऋषियों ने वहां संस्कार थे, उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो गुरुहत पीने की चर्चा करनी पड़ती, लेकिन इस प्रकार की फिलॉसफी से कुछ लोगों को लगता है कि जब अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी तो आपने ऐसे समय ऐसा निर्णय क्यों किया। ये बात सही है। आप जानते हैं, अगर आपको कोई बीमारी हो और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन बहुत जरूरी है, फिर भी वो कहता है पहले भाई शरीर ठीक करना पड़ेगा, डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ेगा, डीगना कंट्रोल करना पड़ेगा, 7-8-10 और मशवरा, फिर बाद में ऑपरेशन करते हैं। जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है ऑपरेशन करना नहीं पसंद करता डॉक्टर, कितनी भी गंभीर स्थिति हो। डीमोनिटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। ये तब सफल होता है ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत थी और इसी समय दूसरा इसका समय। ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है, इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। और आप देखिए हमारे देश में साल भर में जितना व्यापार होता है करीब करीब उतना ही व्यापार दिवाली के दिनों में हो जाता है, यानी 50% दिवाली के दिनों में, 50% साल भर। एक प्रकार से पूरा उद्योग व्यापार किसानी सब काम दिवाली के आसपास उसकी पीक पर पहुंच जाता है। उसके बाद नेचुरल लल पीरियड हमारे देश में हमेशा होता है। दिवाली के अलावा दुकानदार भी 15-15 दिन बंद रख करके बाहर चले जाते हैं, लोग अपने आप घूमने। ये प्रॉपर टाइम था कि जबकि सामान्य कारोबार ऊंचाई पर पहुंच गया है उसके बाद अगर 15-20 दिन दिक्कत होती है और फिर 50 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं आज देख रहा हूं कि जो मैंने हिसाब किताब कहा था उसी प्रकार से गाड़ी चल रही है। और इसलिए आप ये भी जानते हैं एक जमाना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मर मर्जी पर, एक समय था जब देश में इनकम टैक्स अधिकारी मन मर्जी पड़े वहां जाकर के धमकते थे। और बाकी क्या होता था पुराना इतिहास को जो दोहराने की जरूरत नहीं है। नोटबंदी के बाद सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, कहां से आया, किसने लाया, कहां रखा। अब उसमें से टॉप नामों को टेक्नोलॉजी के द्वारा, डाटा माइनिंग के द्वारा निकाल दिए गए हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को कहीं जाना नहीं है, सिर्फ SMS करके पूछना है कि जरा बताइए डिटेल क्या है। आप देखिए किसी भी प्रकार का अफसरशाही के बिना जिसको भी मुख्य धारा में आना है उसके लिए एक अवसर प्राप्त हो चुका है। और मैं मानता हूं इससे बहुत क्लीन इंडिया, जैसे स्वच्छ भारत का मेरा अभियान चल रहा है वैसा ही आर्थिक जीवन में स्वच्छ भारत का अभियान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बेनामी संपत्ति का कानून पास हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। अर्जुन खड़गे जी ने कहा वहीं पर सब कुछ है, अच्छा सुझाव आपने दिया है, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। और जो भी सुन रहे हैं वो भी समझे और उसके प्रावधान पढ़ लें कि कितना बड़ा कठोर कानून है। जिसके पास भी बेनामी संपत्ति है उनसे मेरा आग्रह है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरा पूछ ले आखिर के प्रावधान क्या है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि मुख्य धारा में आइए, देश के गरीबों का भला करने के लिए आप भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, आप भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। जहां जहां कभी कभी लगता है कि
ये निर्णय अचानक हुआ क्या? मैं जरा जानकारी देना चाहता हूं, जिस दिन हमारी सरकार बनी सबसे पहला काम किया कैबिनेट में एसआईटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और लंबे अरसे तक लटका पड़ा था कि विदेश के काले धन के लिए एसआईटी बनाओ, हमने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस प्रकार से बनाई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्या कहा था, 26 मार्च 2014 सिंस 1947 फॉर 65 ईयर्स नोबडी थॉट ऑफ ब्रिंगिंग द मनी स्ट्रेस अवे इन फॉरेन बैंक्स टू द कंट्री। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन इट्स रोल फॉर 65 ईयर्स। दिस कोर्ट फील्स दैट यू हैव फेल्ड इन योर ड्यूटी एंड सो इट गिव एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी headed by former judges of this court. 3 years have passed, but you have not done anything to implement the order. What have you done? Except for filing one report, you have done nothing. ये 24 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को कहा है। वही तो मैं कह रहा था, वो जमाना था तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही है कितना आया और आके रहेगा, आते रहेगा। आप देखिए एक के बाद एक देखिए, विदेश में जमा काले धन के खिलाफ नया कठोर कानून बनाया, प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कही, इस बार भी बजट में एक नया कानून की बात कही गई है, सजा भी 7 साल से 10 साल कर दी। टैक्स हैवन जो थे मॉरिशस सिंगापुर वगैरह, उस पुराने जो नियम आप बना करके गए थे उसको हमने बातचीत की, उनको समझाया, हमारी परिस्थितियां समझाई, उसको हम ले आए। हमने स्विट्जरलैंड से सौदा समझौता किया कि वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई भी हिन्दुस्तानी नागरिक पैसा रखेगा तो उसका पता चल जाएगा। हमने अमेरिका सहित कई देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किए हैं जहां भी हमारा कोई भी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल का व्यक्ति पैसे रखेगा तो उसकी जानकारी भारत को मिलेगी। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी बिक्री 20,000 से ज्यादा नकद नहीं, इसकी चर्चा हमने नहीं किया। रियल एस्टेट बिल को पास किया, ज्वेलरी के मार्केट में भी 1% एक्साइज डाली ताकि चीजों को स्ट्रीमलाइन करना था, किसी को परेशान नहीं करना था। और आप ही लोग हैं इस देश सदन में, इधर हो या उधर हो, मुझे चिट्ठियां आई हैं जब हमने कहा कि 2 लाख से ज्यादा कोई अगर ज्वेलरी परचेज करता है तो उसको पैन नंबर देना होगा। मैं हैरान हूं काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले लोग मुझे चिट्ठियां लिखते थे कि पैन नंबर मांगने का नियम रद्द कर दीजिए ताकि लोग कैश मनी से सोना लेते रहे, गहने लेते रहे और काला बाजार चलता रहे। हम टिके रहे, हम उसको करके दिखाया, एक एक कदम उठाया। मैं जानता हूं ये राजनीतिक फायदे के लिए काम कोई ऐसा नहीं कर सकता, वरना तो आप पहले कर लेते। ये कठिनाई है लेकिन देश का भला करने के लिए निर्णय करने थे और गरीबों का भला करना था इसलिए निर्णय किए। 2 लाख से ज्यादा से किसी सामान पर, 10 लाख से ज्यादा महंगी गाड़ी पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। हमने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम भी लाई और अब तक में सबसे स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने डिक्लेयर किया। 1100 से ज्यादा पुराने कानून हमने खत्म किए। और यहां बताया गया कि आपने नोटबंदी के संबंध में, कोई कहता है 150 बार, कोई कहता है 130 बार, वो सब अलग अलग आंकड़े बोलते हैं, इतने नियम बदले। बहुत अच्छा याद रखते हैं, 150 आदमी मर गया, 150 बार नियम बन गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो एक ऐसा काम था जिसमें हम जनता की कोई तकलीफ तुरंत हम समझने के बाद रास्ता खोजने का प्रयास करते थे। दूसरा,
जिन लोगों को सालों से लूटने की आदत लगी है वो रास्ता खोजते तो हमें बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था। लड़ाई का मौसम था, एक तरफ देश को लूटने वाले थे और एक तरफ देश को ईमानदारी की तरफ ले जाने का मोर्चा लगा हुआ था। लड़ाई पल पल चल रही थी, वो एक तू डाल डाल में पांच पांच इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी। लेकिन लेकिन जो आप लोगों का बड़ा प्रिय कार्यक्रम है जिसको लेकर के आप बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, वैसे उसके लिए आपको हक नहीं है, क्योंकि जब इस देश में राजा रजवाड़ों का शासन था तब भी गरीबों के लिए राहत काम के नाम से योजनाएं चलती थी। उसके बाद भी हिंदुस्तान में फूड फॉर वर्क के नाम से कई योजना, नौ यानी देश आजाद होने के बाद नौ प्रकार की अलग अलग नामों से चली हुई योजना चलते 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 आप उसने एक नाम लिया जिसको मनरेगा कहते हैं। कई यात्रा करके आया हुआ है और हर राज्य में जहां कम्युनिस्टों की सरकार थी उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में किया था, जहां शरद पवार की सरकार थी महाराष्ट्र में किया था, गुजरात में भी जो कांग्रेस की सरकार, हर देश में किसी ने आजादी के बाद इस प्रकार के काम किए ही किए, हर किसी ने किए थे, तो कोई नई चीज नहीं थी लेकिन नाम नया था। लेकिन देश को और आपको खुद को भी जानकर के आश्चर्य होगा कि शांत रूप से इतने सालों से चली हुई योजना के बाद भी मनरेगा में 1035 बार परिवर्तन किए हैं, 1035 बार नियम बदले गए हैं। आप कभी अपने तो आईने में झांकिए, और उस समय तो लड़ाई नहीं थी, इतने बड़े दबाव में काम करना नहीं था। क्या कारण था कि मनरेगा जैसा एक जो लंबे अरसे से चल रहा था उसको भी आपको आने इतलाने के बाद 1035 बार उसमें परिवर्तन करने पड़े, और इसलिए नियमों में परिवर्तन किया। एक्ट तो एक बार हो गया, एक्ट 1035 बार परिवर्तित नहीं हुआ है, और इसलिए मैं आज यू लिसन टू हमने सुना है आपको, आप भी शांति से सुनिए, और इसलिए आज मैं आपको 40 मिनट के बजाय पौने दो घंटे मिल चुके थे बाबू, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज मुझे आपको काका हाथ रस्सी की एक कविता के शब्द सुनाता हूँ, काका हाथ रस्सी के कविता के शब्द सुनाता हूँ, और मैं काका हाथ रस्सी को याद करता हूँ तो कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ न जोड़े, क्योंकि उनके हर चुनाव में काका हाथ रस्सी की बात तो चलती रहती थी। काका हाथ रस्सी ने किया था, काका हाथ रस्सी ने कहा था, अंतर पट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, अंतर पट में खोजिए छिपा हुआ है खोट। और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बात की और भी ध्यान देना चाहता हूं, सरकार नियमों से चलती है, संवैधानिक जिम्मेवारियों के साथ चलती है, जो नियम आपके लिए थे वो नियम हमारे लिए भी हैं, लेकिन फर्क कार्य संस्कृति का होता है। नीतियों की ताकत भी नियत से जुड़ी हुई होती है, अगर नियत में खोट है तो नीतियों की ताकत माइनस में चली जाती है, जीरो छोड़ो माइनस में चली जाती है, और इसलिए हमारे देश में उस कार्य संस्कृति को भी समझने की जरूरत। जब भी हम कुछ बोलते हैं यहां से, ये तो हमारे समय था, तो आज मुझे लग रहा है मैं ही उसी पर खेलूं, थोड़ा आपके मैदान में खेलने के लिए आना पसंद करूंगा आज मैं, और इसलिए ऐसा क्यों हुआ
ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं था, आपको ज्ञान कल ही हुआ ऐसा थोड़ा था, आपको जानकारी थी। लेकिन महाभारत में कहा है इस प्रकार से, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है वो तो आप जानते हैं, लेकिन वो आपकी प्रवृत्ति नहीं थी। अधर्म क्या है वो भी जानते थे, लेकिन उसे छोड़ने का आपका सामर्थ्य नहीं था। मैं बताता हूं, हम मुझे कहिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अगर मैं उसके लिए कुछ भी कहूंगा तो वहां से आवाज उठाई ये तो हमने शुरू किया था। मैं हमने शुरू किया था उसी से शुरू करना चाहता हूं। अब देखिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 से 14 तीन साल सिर्फ 59 गांवों में ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगा, और उसमें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रावधान नहीं था। प्रोक्योरमेंट भी पूरी तरह सेंट्रलाइज था, वो तो क्या कारण है सब जानते हैं। अब आप देखिए हमने पूरी कार्य संस्कृति कैसे बदलती है, अप्रोच कैसे बदलता है। सबसे सब राज्यों को पहले साथ में लिया, लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब स्कूल में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिलना चाहिए, अस्पताल में मिलना चाहिए, पंचायत घर में मिलना चाहिए, इस प्राथमिकताओं को तय किया। प्रोक्योरमेंट क्या था वो तो भारत सरकार के हाथ से रख करके हमने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, और परिणाम ये आया कि इतने कम समय में अब तक 76,000 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ पूरा हो गया। दूसरा, अभी यहां बताया जा रहा था कल कि आप लेस कैश सोसाइटी या कैशलेस सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं, लोगों के पास क्या है, लोगों के पास क्या है मोबाइल। मैं हैरान हूं, मैं तो 2007 के बाद से जितने चुनाव सभाएं सुनी हैं, आपके नेता गांव-गांव जाके कहते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाए, राजीव गांधी मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी ने गांव-गांव कनेक्टिविटी कर दी, आप ही का भाषण है। और जब मैं आज कह रहा हूं कि उस मोबाइल का उपयोग बैंक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप कह रहे मोबाइल फोन ही कहां है। ये समझ भी आ रहा है भाई। आप ही कह रहे थे हमने इतना कर दिया, जब मैं उसमें कुछ अच्छा जोड़ रहा हूं तो कहते नहीं वो तो है ही नहीं। तो ये क्या समझा रहे थे आपको जी, क्यों ऐसा कर रहे हो जी। दूसरी बात है, ये आप भी मानते हैं मैं भी मानता हूं कि पूरे देश के पास सब नहीं है, लेकिन मान लो अगर 40% के पास है तो क्या 40% लोगों को इस आधुनिक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में हम सबका सामूहिक प्रयत्न रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 60% का चलो बाद में देखेंगे, कहीं तो शुरू करें। और इसका लाभ है डिजिटल करेंसी को हम कम ना आते। आज हमारा एक एक एटीएम उसका संभालने के लिए एवरेज 5 पुलिस वाले लगते हैं, करेंसी को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए सब्जी और दूध के मोबिलाइजेशन के लिए जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा उसके मोबिलाइजेशन से खर्चा होता है। अगर हम इस बातों को समझे तो जो कर सकते हैं, सब नहीं कर पाएंगे हम समझ सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये नेतृत्व का काम होता है किसी भी दल का हो, उससे लोगों का भला होने वाला है। अभी मुझे कोई बता रहा था एक सब्जी वाले ने शुरू किया, कल ही कोई मुझे रिपोर्ट देके गया, उसको पूछा तेरा क्या फायदा है। बोले साहब पहले क्या होता था, एक तो मेरे ग्राहक परमानेंट थे, सबको मैं जानता था। अब मान लीजिए 52 रुपीज का सब्जी लिया तो फिर वो मैडम कहती थी
चलिए जेब जेब और पैसे नहीं, 50 रुपए का नोट ले लो, तो बोले मेरे 2 रुपए चले जाते थे। अब मैं भी बोल नहीं पाता था और बोले मैं लगाता था हिसाब, तो साल भर में मेरा 800 हजार रुपया ये रुपया 2 रुपया न देने में ही हो जाता था। बोले इसके कारण भीम ऐप लगाने के बाद 52 रुपया है तो 52 रुपया मिलता है, 53 रुपया है तो 53 मिलता है, 48 रुपीज 45 पैसा है तो पूरा मिलता है। बोले मेरा तो 800 हजार रुपया बच गया। देखिए चीजें कैसे बदलती है। और इसलिए हम कम से कम, आप मोदी का विरोध करें कोई बात नहीं, आपका काम भी है, करना भी चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको आगे बढ़ाए। जहां है मान लीजिए गांव में नहीं है, शहरों में है तो आगे तो बढ़ाओ भाई, उसको योगदान करो, देश का भला होगा, हम और किसी व्यक्ति का भला नहीं है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों में हम मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। कार्य संस्कृति कैसे बदलती है। अब ये रोड बनाना क्या हमारे आने के बाद हुआ क्या? ये टोडरमल के जमाने से चल रहा है, शेरशाह सूरी के जमाने से चल रहा है। तो ये कहना कि ये तो हमारे जमाने से था, हमारे जमाने से था, कहां कहां जाओगे भाई? लेकिन फर्क क्या है, पिछली सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रतिदिन 69 किलोमीटर होती थी, हमारे आने के बाद 111 किलोमीटर होती है। ये फर्क। और हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हमने रेलवे में ड्रोन का उपयोग किया है, फोटोग्राफी करते हैं, काम का हिसाब लेते हैं। कार्य संस्कृति टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नामों को जोड़ करके उसका जो उपयोग हुआ हुआ, लेकिन फिर भी आपके समय में एक साल में 10,83,000 घर बनते थे। इस सरकार में एक वर्ष में 22,27,000 घर बने, 22 लाख। नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन एक महीने में 8,017 घर बने। हमारी योजना से 13,530 घर बने। रेलवे, पहले ब्रॉड गेज रेलवे का कमीशनिंग एक साल में 1500 किलोमीटर हुआ करता था, पिछले साल ये बढ़कर के 1500 किलोमीटर से सामने 3000 किलोमीटर डबल। और हम 3500 किलोमीटर तक, और इसलिए ये परिणाम अचानक नहीं आए, योजनाबद्ध तरीके से हर पल हर चीज का मॉनिटर करते 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 यही लोग, यही कानून, यही मुलाजिम, यही फाइल, यही माहौल, उसके बाद भी बदलाव लाने में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ये अचानक नहीं होता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथों से। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण आकर से प्रवेश नहीं करता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मूलभूत परिवर्तन कैसे आते हैं? हम जानते हैं कि राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्कॉम सारे राज्य संकट में है,
कभी तो हिंदुस्तान में लाल किले पर से इसकी चिंता की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, इतनी हद तक ये हालत बिगड़ी हुई थी। पिछले दो साल में बिजली उत्पादन में क्षमता बढ़ी, कन्वेंशनल एनर्जी उसको जोड़ा गया, ट्रांसमिशन लाइन उसको बढ़ाया गया, सोलर एनर्जी को जोड़ लाया गया। 2014 में 2700 मेगावाट थे, आज हम उसको 9100 मेगावाट पहुंचा दिए। सबसे बड़ी बात डिस्कॉम योजना के कारण, उदय योजना के तहत राज्यों को उस योजना जब वो सफल कर पाएंगे, करीब करीब 1,60,000 से ज्यादा रकम राज्यों की तिजोरी में बचने वाली है। और राज्यों के साथ जोड़ करके अगर भारत सरकार ने 1,60,000 की घोषणा कर दी होती तो चारों तरफ कहते कि वहां मोदी सरकार ने इतना पैसा दिया। हमने योजना ऐसी बनाई कि राज्यों के खजाने में 1,60,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम के द्वारा, उदय योजना के द्वारा बचत होने वाली है, जो उनके लिए विकास के काम आने वाली है और ऊर्जा क्षेत्र का जो बोझ है उस बोझ से वो बचने वाले हैं। कोयला, आप जानते हैं कोयला जहां से निकलता था उसके नजदीक नहीं दिया जाता था, दूर दूर से दिया। क्यों? तो बोले रेलवे को थोड़ा कमाई हो जाए। हमने कहा कमा लो भाई, रेलवे की कमाई के लिए इतना सारा भूते हमने रेशनलाइज कर दिया, जहां नजदीक है उसी को कोयला वहां से मिले, कोयले का खर्चा हो, उस दिशा में प्रयास किया। और उसके कारण करीब करीब कोयले में 1300 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम हुआ है। एलईडी बल्ब, अब ये तो हम नहीं कहते एलईडी बल्ब हम लाए, वैज्ञानिक शोध हुई, आपने भी शुरू किया, लेकिन आपके जमाए वो एलईडी बल्ब करीब 380 उस रुपये में चलते थे। एलईडी बल्ब से एनर्जी सेविंग होता है, हमने एक बड़ा मिशन रूप में काम उठाया। और करीब करीब इतने कम समय में, पिछले 8-9 महीने से इस योजना को बल दिया है, इतने कम समय में 21 करोड़ एलईडी बल्ब लगाने में हमने सफलता पाई है और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और अब तक जो एलईडी बल्ब लगे हैं उसके कारण परिवारों में जो बिजली का बिल आता था, वो जो बिजली की बिल कम हुआ है, वो परिवारों में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपयों का बचत हुई है। अगर किसी सरकार ने बजट में 11,000 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को देने का तय किया होता तो अखबारों में हेडलाइन बनती है। हमने एलईडी बल्ब लगाने मात्र से 11,000 करोड़ रुपया बिजली का बिल सामान्य मानवी के घर में कम किया है। कार्य संस्कृति अलग होती है तो कैसा परिवर्तन आता है, इसका यह नमूना है। और इसलिए हमने इस काम को यहां पर हमारे विपक्ष के नेता शेड्यूल कास्ट के बजट के लेकर के भाषण कर रहे थे, लेकिन बड़ी चतुराई पूर्वक 13-14 के आंकड़ों को उन्होंने बोलना अच्छा नहीं माना, खुद का लगाते थे। 13-14 आता था अटक जाते थे। शेड्यूल कास्ट सब प्लान कुल आवंटन 2012-13 37,113, 13-14 41,561, 16-17 38,833, 16-17 40,920, 33.7% इंक्रीज, 33.7% इंक्रीज। और इस साल के बजट में 52,393। और इसलिए
और इसलिए ये झूठ है और ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते आप, ये झूठ है ये नहीं कह सकते आप सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए, सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए। एक और काम मैं बताना चाहता हूं, ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के समय किस प्रकार से काम किए जाते हैं, 17 मंत्रालय के 84 योजनाएं हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार योजना के साथ जोड़ करके उसको आगे किया। और 32 करोड़ लोगों को 1,56,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में दिया गया। अब उससे क्या लाभ हुआ है और इसको समझना होगा कि किस प्रकार से हर गली मोहल्ले में चोरी लूट की व्यवस्था रही थी। और मैं जानता हूं इतनी बारीकी से हर जगह पर चोरी लूट को रोकूंगा तो मेरे पर कितना तूफान होगा। और तब जाकर मैंने गोवा में बोला था कि मैं जानता हूं, मैं ऐसे निर्णय करता हूं, मेरे पर क्या बीतेगी मुझे मालूम है, आज भी मालूम है। और इसमें दोबारा कहता हूं ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है और ज्यादा होने वाली है, उसके कारण मुझे अंदाज है मुझ पर क्या क्या जुल्म होने वाले हैं, उसके लिए तैयार। क्योंकि देश के लिए मैंने ये प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं और इसलिए मैं कदम उठा रहा हूं। पहल योजना, हमारे यहां गैस सिलेंडर जाते थे, सब्सिडी मिलती थी, जब उसको आधार योजना से जोड़ा तो उसका लीकेजेज करीब करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लीकेजेज रुका, जिसका परिणाम यह आया कि 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन देने में हम सफल हुए। आप अध्ययन कर लीजिए। मैं सदन में जब बोलता हूं तो जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं। पिछले 2.5 वर्षों में फर्जी राशन कार्ड, गरीब आदमी के हक को छीनने का काम फर्जी राशन कार्ड वाले करते थे। गरीब को जो मिलना चाहिए उसको बिचौलिए अपने यहां फर्जी राशन कार्ड के थप्पे रखते थे और माल चुरा लेते थे और काले बाजारी में बेचते थे। जब से हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, आधार का उपयोग किया, करीब करीब 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए, उससे करीब करीब 14,000 करोड़ ये इतनी रकम बिचौलियों मार खाते थे, गरीब के हक का मार खाते थे, वो मुख्य धारा में आया और गरीबों की तरफ भौंप गया। मनरेगा में आधार से पेमेंट दिया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा होता है, करीब 94% सक्सेस मिली है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि लीकेजेज 7,633 करोड़ रुपीज उसका लीकेज अब तक बच पाया है। और ये हर वर्ष, एक वर्ष का नहीं, आने वाले वर्षों में भी बचने वाला और आगे भी जो है। किस प्रकार से नेशनल सोशल असिस्टेंसिंग प्रोग्राम NSAP करीब करीब 400 करोड़ रुपया जिसका कोई लेनदार नहीं मिल रहा है लेकिन पैसे जाते थे। कुछ तो ऐसी चीजें पाई गई
जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ वो बेटी विधवा भी हो गई और खजाने से धन भी जा रहा है। इन सब को रोकने की कार्य संस्कृति को लेकर के हम चले हैं। स्कॉलरशिप, ऐसे कई चीजें हैं। एक मोटा मोटा अंदाज लगाता हूं, एक वर्ष में, और ये हर वर्ष, अभी तो मैं कह रहा हूं शुरुआत है, 49,500 करोड़ रुपीज ये बिचौलियों के पास जाते हुए रुक गए। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया जो गरीबों के हक का था वो बिचौलिए खा जाते थे, करप्शन के नाम पर, लूट के नाम पर, उनको रोकने का काम, उसके लिए एक बड़ी हिम्मत लगती है, करके दिखाया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कार्य संस्कृति का एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर वर्ष राज्यों के मुख्यमंत्री भारत सरकार को इस बात की चिट्ठी लिखते थे कि हमें यूरिया मिलना चाहिए, यूरिया। मैं भी जब मुख्यमंत्री था लिखता रहता था, और यूरिया पाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। मैं आज बड़े संतोष के साथ कहता हूं, पिछले 2 साल से किसी मुख्यमंत्री को यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी, कहीं यूरिया के लिए कतार नहीं लगी है, कहीं यूरिया के लिए लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लेकिन ये बात हम भूले नहीं, पुराने अखबार निकाल दीजिए, किसानों को यूरिया पाने के लिए कितनी तकलीफ होती। अब मुझे बताइए, नीम कोटिंग इसका ज्ञान सिर्फ हम ही को है क्या? क्या आपको नहीं था? क्या आपको था? आपने 5 अक्टूबर 2007 यूरिया नीम कोटिंग की चर्चा आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रिंसिपली अप्रूव हुई। 5 अक्टूबर 2007 से लेकर के क्या हुआ? करीब करीब 6 साल। एक तो आपने कैप लगाई 35%, उससे ज्यादा नहीं नीम कोटिंग करना। आप 100% नहीं करते तब तो उसका कोई लाभ ही नहीं होता है, क्योंकि यूरिया चोरी होता है, कारखानों में चला जाता है, किसान के नाम पर सब्सिडी के बिल कटते हैं लेकिन किसान को लाभ नहीं मिलता था। यूरिया का दूसरा दुरुपयोग होता था सिंथेटिक मिल्क बनाने में, और उसके कारण गरीब बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जाता था। यूरिया को 100% नीम कोटिंग किया। आपने निर्णय किया था 6 साल में आपने सिर्फ 35% का कैप लगाने बाद 35% भी नहीं पहुंच पाए, सिर्फ 20% नीम कोटिंग किया। हमने आकर के इस बात को हाथ में लिया और 188 डेज, आपका 6 साल, मेरा 6 महीना, हिंदुस्तान में 100% यूरिया नीम कोटिंग कर दिया, इंपोर्टेड यूरिया को भी नीम कोटिंग कर दिया। और उस नीम कोटिंग का लाभ इसका हमने सर्वे करवाया है ना। आपकी कार्य संस्कृति, हमारी कार्य संस्कृति में फर्क इतना है, नीम कोटिंग की बात आती है आप खड़े हो जाते, ये तो हमारे जमाने का है, तो आपके जमाने का, आपके मैदान में आज खेलना मैंने तय किया है, इसलिए मैं खेल करके दिखाता हूं कि आपका हाल क्या है। नीम कोटिंग का अध्ययन हमने करवाया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, उन्होंने जो एनालिसिस करके रिपोर्ट दिया है किसानों का कितना भला हो रहा है। देखिए, धान के उत्पादन में 5% वृद्धि, गन्ने के उत्पादन में 15% वृद्धि। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसानों को इसके कारण कितना खर्चा बच रहा है। किस प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबसे एक आह्वान किया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होने की दिशा में सोचने का समय आ गया है, इसको राजनीतिक तवाजो से न तोला जाए। तत्कालीन हर किसी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, हर किसी को थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज हर वर्ष 5-7 राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी मुलाजिम कभी न कभी चुनावों में लगे रहते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे अध्यापकों प्राध्यापकों को चुनाव के काम में जाना पड़ता है, हमारे भविष्य की पीढ़ी को नुकसान हो रहा है,
बार बार चुनाव के कारण हो रहा है और उसके कारण खर्च में भी बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है। और इसलिए 2009 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो 1100 करोड़ का खर्च हुआ था और 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ 4000 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं इस गरीब देश पर, ये गरीब देश पर कितना बोझ पड़ रहा है। आज कानून व्यवस्था की दृष्टि से अनेक नई नई चुनौतियां आ रही हैं। प्राकृतिक संकटों के कारण भी सिक्योरिटी फोर्स की मदद लगती है। दुनिया भर में फैल रहा आतंकवाद और हमारे दुश्मन देश जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स को उसमें तांगड़े, इतना बड़ा काम बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज की ज्यादातर शक्ति चुनावी प्रबंधनों में लगाई जानी पड़ रही, उनको भेजना पड़ रहा है। इन संकट को हम समझे और एक दीर्घदृष्टा के रूप में, कोई एक दल इसका निर्णय नहीं कर सकता है, सरकार इसका निर्णय कतई नहीं कर सकती है, लेकिन अनुभव के आधार पर जिम्मेवार लोगों ने मिलकर के इस समस्या का समाधान हमने खोजना होगा, हमें रास्ता खोजना होगा। और राष्ट्रपति जी ने जो चर्चा निकाली है उस चर्चा को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उनका धन्यवाद करते हुए, उनके धन्यवाद के लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश की ग्रामीण अर्थकारण को मजबूत किए बिना देश का अर्थकारण आगे नहीं बढ़ता है। मैं हैरान हूं हमारे विपक्ष नेता को राष्ट्रपति जी के संबोधन में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवा, मजदूर, इनके उल्लेख से भी परेशानी हुई। क्या इस देश में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित इन लोगों का राष्ट्रपति के भाषण में स्थान नहीं होना चाहिए? उसे पीड़ा होनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि ऐसी पीड़ा क्यों होती है। हमने कृषि सिंचाई योजना पर बल दिया क्योंकि मैं मानता हूं, अब आप देखिए मनरेगा में कैसा मूलभूत परिवर्तन आया। आपने 3 साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपए बढ़ाया था, हमने आकर के 2 साल में 11000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। क्यों? हमने उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, हमने उसके अंदर जियो टैगिंग का व्यवस्था की है और हमने बल दिया है कि तालाब पर बल दिया जाएगा कि सिंचाई ये सबसे बड़ी बात है। मत्स्य पालन के लिए भी छोटे छोटे तालाब काम आ सकते हैं, गरीब व्यक्ति कमा सकता है। और उसके कारण करीब 10 लाख से ज्यादा तालाब बनाने का संकल्प लेकर के हम चल रहे हैं। और पिछले बार भी हमने तालाब की ओर बल दिया था, उसी से हमारे जो किसान है उनको एक बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना है। मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, जियो टैगिंग के कारण मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, उसका भी लाभ होगा। और स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के अंदर बहुत चीजें होने के बावजूद भी हम उसका उपयोग नहीं किए, हमने सैटेलाइट छोड़ करके ही अखबारों में सुर्खियों में जगह बनाने का प्रयास किया। ये सरकार है जिसने लगातार भरपूर प्रयास किया है और उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन फसल बीमा लेने के लिए किसान तैयार नहीं था। फसल बीमा पहले भी थी लेकिन किसान के हकों की रक्षा नहीं होती थी। मैं चाहूंगा, हम सब सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक दल के सिवाय भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। इस सदन के सभी लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अध्ययन करें और हमारे इलाके के किसानों को कैसे मदद मिल सकती है इसका फायदा पहुंचाएं। पहली बार बुआई न हुई हो प्राकृतिक आपदा के कारण तो भी वो बीमा का हकदार बना है, और फसल काटने के बाद भी अगर 15 दिन के अंदर अंदर कोई और आपदा आई तो भी वो फसल बीमा का हकदार बने। ये निर्णय छोटा नहीं है। और इसलिए ये हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम हमारे किसानों को ये जो लाभ मिला है उस राज्य को हम पहुंचाए। सॉइल हेल्थ कार्ड, राजनीतिक मतभेद हो सकता है लेकिन अपने इलाके के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड समझाइए, उनका फायदा होगा, उनकी लागत कम हो जाएगी,
सही भूमि पर सही फसल से उपयुक्त लाभ होगा, ये सीधा सीधा विज्ञान है। उसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए। और उसमें मैं तो चाहूंगा छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर आगे आए, खुद अपनी प्राइवेट लैब बनाएं और वे खुद सर्टिफाइड लैब के द्वारा धीरे धीरे गांवों में भी एक नए रोजगार का क्षेत्र भी खुले, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने और भी अनेक विषयों यहां पर युवाओं के लिए चर्चा हुई, रोजगार के अवसर, मुद्रा योजना से करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना कोई गारंटी जो धन दिया गया है, या तो वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ है या पहले से था, तो एक अधिक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए वो ताकत आई है। हम लोगों की यही सोच रही, जब तक हम देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाएंगे, हमारी नीतियां वो होनी चाहिए कि हर जगह पे उसके रोजगार की संभावनाएं बढ़े। और हमने उस नीति को अपनाया, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया है और उसका लाभ है कि हमारे यहां कृषि क्षेत्र, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब लागू कर रहे हैं तो उस काम में रोजगार लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोगों को ऊर्जा गंगा की योजना के साथ पूर्वी भारत को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की दिशा में बड़ा अभियान चलाया है, सैकड़ों किलोमीटर का गैस पाइपलाइन लगने वाला है, क्या नौजवान को रोजगार की संभावना उसमें पड़ी है कि नहीं पड़ी है? और इसलिए विकास का वो दिशा हो जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। हमने अभी टेक्सटाइल में, जूतों के क्षेत्र में अनेक इनिशिएटिव लिए हैं जिसके कारण अनेक लोगों को नए रोजगार और नए नए क्षेत्रों में रोजगार किसकी संभावना हुई है। देश के छोटे उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस बजट में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और छोटे छोटे उद्योगों को जितना बल मिलेगा उसके कारण हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। जीरो इफेक्ट, ये अगर हमारा प्रोडक्शन का क्राइटेरिया रखे तो हम दुनिया के मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं और हमारे छोटे उद्योगकारों की एक्सपोर्ट करने की ताकत होती है। बड़े बड़े उद्योगकारों को छोटे छोटे पुर्जे लगते हैं, वो छोटे छोटे कारखानों से मिलते हैं और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग की दुनिया में हम मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए सरकार ने और अभी बजट में जो योजना लाए हैं नए बजट में, उसका लाभ 96% उद्योगकारों को मिलने वाला है। 96%, 4% जो बड़े लोग हैं वो बाहर रह गए, लेकिन 50 करोड़ से कम वाले करीब 96% है, उन सबको फायदा मिल रहा है और बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। उसके कारण रोजगार के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बढ़ने वाली है। यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक, मैं हैरान हूं, अपने सीने पर हाथ रख करके पूछिए, सर्जिकल स्ट्राइक के पहले 24 घंटे राजनेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए थे, कैसी भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन जब देखा कि देश का मिजाज अलग है, उनको अपनी भाषा बदलनी पड़ी। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये बहुत बड़ा निर्णय था और इस निर्णय को कोई मुझे पूछता नहीं है, नोटबंदी में तो पूछता है कि मोदी जी सीक्रेट क्यों रखा, कैबिनेट को नहीं बताया, ऐसा कुछ कैबिनेट को भी नहीं बताया, बोले कैबिनेट को भी नहीं बताया। सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में कोई नहीं पूछ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सेना उसके जितने गुणगान करे, हमारी देश की सेना का जितना गुणगान करे उतना कम है। और इतने बड़े फलक में इतनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है, मैं जानता हूं सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है। और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक, आपकी मुसीबत यह है कि पब्लिक में जाके बोल नहीं पाते हो, अंदर पीड़ा अनुभव कर रहे हो, ये आपकी मुसीबत है। लेकिन
आप मान के चलिए ये देश हमारी सेना इस राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी सामर्थ्यवान है, पूरी शक्तिवान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यस प्लीज, मुझे विश्वास है कि हम इस सदन में संवाद हो,